मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये 6 संकेत बताते हैं आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा ने कब्जा कर लिया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हम सभी की कोशिश यही होनी चाहिए घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्तर हमेशा ज्यादा हो। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है तो परिवार में सुख शांति और समृद्धि रहती है। इसके विपरीत यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगे तो घर की खुशियां गायब होने लगती हैं। नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में कई बुरी चीजें घटित होने लगती है। इनमें परिवार के सदस्यों के बीच अनबन, रिश्तों का कमजोर पड़ना, अधिक पैसा खर्च होना, बीमारी का ना जाना, मन उदास और अशांत रहना इत्यादि चीजें शामिल होती हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं आपके घर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज हो गया है। ऐसे में आपको अपने घर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की दिशा में कार्य शुरू कर देना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा के संकेत। यदि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य बहुत ज्यादा आलस करने लगा है, उसे सुस्ती आने लगी है और वो हमेशा थकान से भरा हुआ महसूस करता है, तो ये इस बात का इशारा है उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा समाने लगी है। इस स्थिति में आपको घर में मोर की तस्वीर या कोई प्राकृतिक नजारे वाली फोटो लगानी चाहिए। सोने से पहले यदि आपके मन में सिर्फ नकारात्मक विचार ही आते हैं तो इसका भी यही मतलब है। आप जिस बेडरूम अर्थात शयन कक्ष में सो रहे हैं वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का स्तर अधिक है। इसे दूर करने के लिए शयन कक्ष में शिव पार्वती की तस्वीर लगाई जा सकती है। यदि आप एक ही गलती बार बार दोहराते हैं तो ये भी आपके घर किसी बड़ी नकारात्मक शक्ति के होने की तरफ इशारा करता है। ये नकारात्मक शक्ति आपके दिमाग को भ्रष्ट कर रही है। आम तौर पर इंसान अपनी पहली गलती से सीखकर उसे दोबारा नहीं दोहराता है, लेकिन फिर भी यदि आपके परिवार में कोई यह गलती करे तो उसे डांटने की बजाय प्यार से समझाएं। यदि आपके मन में लगातार कुछ अनहोनी के घटित होने के विचार ही चलते रहते हैं तो यह भी इशारा है नकारात्मक ऊर्जा ने आपको बुरी तरह से जकड़ लिया है। इसके लिए आपको बजरंग बली की आराधना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके मन में बुरे ख्यालात आना बंद हो जाएंगे। यदि आपका या घर के अन्य किसी सदस्य का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है तो यह भी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हो सकता है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगना, बड़ों का बाहर और घर के कामों में दिल नहीं लगना, ये सभी चीजें इसी बात की तरफ इशारा करती हैं। आपके घर नकारात्मक ऊर्जा कब्जा जमाने लगी है। इस स्थिति में घर में सत्यनारायण की कथा करा लेना अच्छा होता है। इस कथा से घर की सभी बुरी और नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाती है। घर में लड़ाई झगड़ों का अचानक से बढ़ जाना भी नकारात्मक ऊर्जा की देन होता है। ऐसे में घर के सभी लोगों को साथ मिलकर पूजा पाठ और आरती करना चाहिए। इसके अतिरिक्त घर में गंगा जल का छिड़काव भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया किन संकेतों से आपको पता चलता है आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा ने कब्जा कर लिया है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों, हम इसी चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी रोचक बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद।